केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के विकास को नई गति देने वाली 8038 करोड़ रुपए लागत की 15 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राकेश सिंह, श्री प्रहलाद पटेल, श्री विश्वास सारंग, श्री नारायण सिंह कुशवाहा, श्रीमती कृष्णा और सहित जनप्रतिनिधि मंच पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासी माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय नारायण सिंह पवार जी, माननीय दिलीप अहिरवाल जी, माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, माननीय लखन पटेल जी, ज्ञानेश्वर पाटिल जी, सांसद महोदय रमाकांत भार्गव जी, रूडमल नागर जी, श्रीमती संध्या राय जी, गुमान सिंह दामोह जी, दुर्गा दास जी, विधायकगण सम्मानित सुरेंद्र जी, रामेश्वर शर्मा जी, विष्णु खत्री जी, भगवान दास सरनानी जी, दिनेश गुर्जर जी, श्रीमती सरला विजेंद्र रावत जी, आरिफ अकील। मध्य प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल रही है। मैं नागपुर से हूँ और लोग ये बड़े मजाक में कहते थे कि मध्य प्रदेश के लोग कहते थे कि नागपुर के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद जब हम छिंदवाड़ा की तरफ जाते हैं, मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं, तो नागपुर के रोड पर नींद लग जाती थी और जब नींद खुल जाती थी तो समझ लेना मध्य प्रदेश आ गया है। इस प्रकार की परिस्थिति मध्य प्रदेश में थी। पर आज मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो रहा है। हम करीब 3,00,000 करोड़ रुपए के 2024 समाप्त होने तक कार्य पूरे करेंगे, शुरू करेंगे या समाप्त करेंगे। और इसलिए विश्वास है कि मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 2024 जब समाप्त होगा तो मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो उद्योग आएंगे, व्यापार आएगा, उद्योग व्यापार आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और उद्योगों के कारण अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मध्य प्रदेश में आज काफ़ी बड़े प्रमाण पर यहाँ भूमि पूजन हो रहे हैं। मैं उसकी विस्तृत चर्चा नहीं करूँगा, जो होगा वो तो आप देखने वाले हैं। पर हमने इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी को सुझाव दिया है कि जो रिंग रोड बन रहा है उसके बाजू में अगर वो सरकारी जगह हमको देते हैं तो लॉजिस्टिक पार्क, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हम बनाने के लिए अपने पैसे से तैयार हैं। और इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि जहाँ भी इस प्रकार की संभावना है हमें जरूर प्रपोजल दीजिए। हम इंदौर और धार के बीच में औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में 1,111 करोड़ रुपए की लागत से 255 एकड़ में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं। हमें अपॉइंटमेंट डेट वर्क ऑर्डर देना है, केवल अभी तक लैंड हमको ट्रांसफर हुई नहीं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वो लैंड अगर तुरंत हमको अलॉट हो जाएगी तो इसका काम हम तुरंत शुरू करेंगे। मालवा का आटा हो, जिसकी अरब देशों में खूब मांग है, आटे का बना पास्ता, दलिया, सूजी, आबू धाबी, शारजा, दुबई में बहुत पसंद किया जाता है,